क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन वायलेट्स ब्रेट्स रूल। अच्छा, ब्रेट्स रूल के बारे में सीखा होगा आप लोगों ने कि जब कभी भी साइक्लिक बाईसाइक्लिक कंपाउंड डला हो, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड, ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, और बाईसाइक्लिक कंपाउंड के केस में इन्होंने बोला है कि जो आपके ब्रिज हेड होते हैं, ये क्या होते हैं, ब्रिज हेड होते हैं, तो ये ब्रिज हेड अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज में प्रेजेंट है, sp2 हाइब्रिडाइज में, तो ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, इतना अनस्टेबल होता है कि वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। जैसे इसमें अगर आप देखें, अगर ये आपका ये कार्बन देखें, तो इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड बना के रखे हैं, तो मतलब क्या कि 3 सिग्मा बॉन्ड से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, और अगर ये आपका sp2 है तो ये आपका कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, इतना अनस्टेबल हो जाएगा कि आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। हालांकि ये वाला जो कार्बन देखें तो ये आपका sp3 होना चाहिए, क्योंकि ये आपका ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, तो आपका टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 4 हो जाते हैं। इनकेस अगर ये ब्रिज हेड, ये आपका ब्रिज हेड बोला जाएगा, इसे क्या बोलते हैं, ब्रिज्ड कंपाउंड में ये ब्रिज हेड ये कार्बन होते हैं, ब्रिज हेड, एक ब्रिज हेड ये है और एक ब्रिज हेड ये है, इन दोनों में हमेशा कभी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होना, नहीं ये आपका कंपाउंड बहुत ही अनस्टेबल हो जाता है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यही देख लेते हैं कि अगर आप ऑप्शन ए में देखें तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड डला है, क्लियरली नोटिस कर सकते हैं, ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, ये ब्रिज हेड बोला जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, तो इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बना के रखे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड, और 3 सिग्मा बॉन्ड से हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp2, ठीक है। अगर sp2 है तो ये क्या हो जाएगा भाई, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ब्रिट्स रूल ये कंपाउंड आपको एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ये आपका जो डला हुआ है ये ब्रिज हेड है, ब्रिज हेड में पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे अगर आप देखें ये ब्रिज हेड है, ये ब्रिज हेड है, ये आपका कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अच्छा, ये ब्रिज कंपाउंड नहीं है, ये रिंग आपका सेपरेट है, ये एक रिंग हो गया, ये आपका रिंग हो गया, ठीक है, ये आपका बाईसाइक्लिक कंपाउंड के रूप में कंसिडर नहीं करेंगे, ये थर्ड डिग्री का कार्बन डला हुआ है, थर्ड डिग्री का, ठीक है, ये बाईसाइक्लिक है, ये बाईसाइक्लिक है, ये भी बाईसाइक्लिक, ये तो कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया है बच्चों का, बच्चों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्रिट्स रूल किस में अप्लाई नहीं होता आपका, नहीं वायलेट ब्रिट्स रूल का किस कंपाउंड में वायलेशन हो रहा है, ए कंपाउंड में, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका ये अगर ब्रिज हेड आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, मतलब क्या है कि आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर।